हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रश व्रश करने के बाद सुबह की शुरुआत होती है किचन से। बेटे का दूध सबसे पहले गर्म किया है और उसके बाद रख दी है मैंने चाय, और उसको दूध दे के आती हूँ। और चाय में जब तक हो जाएगी अदरक बॉयल, चाय पत्ती डाल दी है और बस चाय ही बॉयल हो चुकी है। इसमें दूध डाल दूँगी और चाय बन गई रेडी। जिसको भी पीनी है गर्म गर्म चाय, सुबह सुबह आइए, गुड मॉर्निंग चाय पीजिए। और अब शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं लहसुन की चटनी और सब्ज़ी बना रही हूँ एक पत्ता गोभी की। मैंने लहसुन सब पीस लिए और इसमें सारा मसाला डाल दूँगी, नमक मिर्ची गरम मसाला जो भी डालना है। इधर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। एक तरफ मैंने पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्ज़ी बनाई है। टिफ़िन वगैरह सबके रेडी हो गए हैं और ये मलाई कढ़ी थी तो मैं इसको बना रही हूँ। अभी घी मलाई का घी बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। खमा गणी, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई और अब मैं दूध पी रही हूँ और दूध के साथ ये खजूर खा रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी अलमारी से कुछ कॉटन की ओढ़नियाँ निकालूंगी और जिन पे मुझे गोटा लगाना है। तो कॉटन की काफ़ी सारी ओढ़नियाँ पड़ी है और ऑल ओवर जो सर्दी के लिए सूट सिलाए थे उसकी भी काफ़ी सारी ओढ़नियाँ पड़ी हैं जिन पे गोटा नहीं लगा हुआ। तो मैं आज सारी ओढ़नियाँ निकालूंगी और फिर देखती हूँ मैं कितने दिन में मेरे गोटे कवर हो जाते हैं। अभी बच्चों का टाइम लेट हो गया, वो 4 o'clock आएंगे तो दोपहर में मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा। तो उसमें एक एक करके सारी ओढ़नियों के गोटे लगाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नाश्ता करके कि मेरी कौन कौन सी ओढ़नियाँ हैं जिन पे गोटा नहीं लगा। कुछ कॉटन के सूट जो आल और 4 मीटर के थे वो तो मैं बाहर सिलवा लेती हूँ, और कॉटन के कुछ सूट पड़े हैं जो मुझे खुद सिलने हैं। तो अभी पहले मैं गोटा कंप्लीट करूँगी सारा और उसके बाद मैं एक एक करके सूट सिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये इतनी सारी ओढ़नियाँ निकाली है अलमारी से और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कॉटन की ओढ़नियाँ और ये सब प्योर की ओढ़नियाँ हैं जिनके मैंने गोटे हटा रखे हैं और अभी चरक करवाई है इन पे। देखिए ये मेरी प्योर की ओढ़नियाँ हैं जिनके मैंने गोटे हटा रखे हैं। अब दूसरे गोटे लगाऊंगी, तो 1, 2 और एक ये पचरंगी 3। इस पे ये पुराना वाला गोटा लगा हुआ है, शादी की है तो मैं ये गोटा हटा के दूसरा गोटा लगाऊंगी। और एक ये है, इस पे चरक करवाई थी तो मैंने गोटा हटा रखा है। तो ये सब लुगड़ियाँ अब मैं गोटा लगाती हूँ। यहाँ हमारे सामने वाली ऊपर की बालकोनी में धूप आती है तो यहाँ हम बैठ के बातें भी कर लेते हैं किराएदारों के साथ। और मैं यहाँ बैठ के धूप में मेरा धूप सेकना भी हो जाएगा और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में मैं अपनी गोटे लगा लूँगी। ये सबसे पहले मैंने ये रानी लुगड़ी में गोटा लगाना स्टार्ट किया है, काचरी की लुगड़ी है। अभी हो चुकी है शाम, मसाले भी नहीं चाहिए। आज सर गए हैं किसी बारात में
और इसीलिए हम बच्ची लोगों अभी ना का मसाले की, मैंने आटा रोटी लगा सब्जी लिया खाने था का तो मन किसी नहीं था, रोटी किसी खाने का ही की टेंशन नहीं हो रही है। ये मैंने मैं आटा भी लगा लिया मसाले था, वाले फिर की सोच रही खाना थी खा रही सब्जी हूँ क्या बनाऊं, और फिर मेरे किसी खाने का के भी बाद मन हम नहीं खा हो रहा था लेंगे कि हम स्वीट लोग इकट्ठे पटेटो हैं, तो इधर ऐसी। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि आज सब मैगी खा लेंगे और शकरकंदी बॉईल कर लेंगे। तो बेटा मसाले वाली और सब्जियों वाली नहीं खाता, तो उसके लिए मैंने पहले सिंपल मैगी बना दी है, और अब हम सब के लिए बनाऊंगी सब्जी वाली मसाले की मैगी। और आज हमारा यही डिनर होगा, तो जब कभी खाना खाने का मन नहीं हो तो आप हल्के फुल्के में क्या बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब ये बन रही है हमारी मैगी, बन के तैयार होने वाली है।